हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी डीप क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो काफ़ी जो नदियों से जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्यास नदी है, तो ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहले ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कुल्लू में जो है ब्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहली जो नदी है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है कुल्लू में ब्यास की सहायक नदी है। उसके बाद जो है ये सिपन नदी, फौजल, मलाना नाला, सोलंग नाला और सरवरी नाला। तो ये जो दोस्तों छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ हैं, सरवर, फौजल, सिपन, तो ये जो दोस्तों नदियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंडी में जो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं वो है ओहल, सुकेती, हंसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, हंसा, तीर्थन, बखाली, बाखली और बनेर और पोड़ी और सोन। तो ये जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी HP एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सहायक नदियाँ यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कांगड़ा में ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो कांगड़ा में जो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं वो है दोस्तों बाणगंगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बाणगंगा, बनेर, न्योगल, बिनवा और गज। तो ये जो है दोस्तों ब्यास की कांगड़ा में सहायक नदियाँ हैं, जो कि ब्यास नदियों में आकर के जो है मिल जाती है कांगड़ा में। नेक्स्ट है ब्यास नदी कि जो सहायक नदियाँ हैं वो हमीरपुर में कौन कौन सी है। तो कुन्हा, ये दोस्तों हमीरपुर में जो है ब्यास में मिलती है, मान, शुक्र और बुम्बलू और पुंग, ये जो है हमीरपुर में जो है ये ब्यास नदी में मिलती है और ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं किन्नौर। तो सतलुज नदी जो है दोस्तों सबसे बड़ी नदी है, जो कि किन्नौर से निकलती है और किन्नौर में जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है बासपा, भाभा, नांगली और ये नांगली नाला जो है वो ब्यास की, सतलुज की किन्नौर में सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो हटली, लुनखरी और स्वा, जिसको कि क्या बोलते हैं सोमभद्रा, ये जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आपको नई नदियाँ दिख रही है सहायक नदियाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का बनता है। ये जो है दोस्तों छोटी छोटी नदियाँ जो है आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इनको जो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ऊना की दोस्तों हो गई है, सतलुज में जो ऊना की सहायक नदियाँ हैं वो है हटली, लुनखरी और स्वा, जिसको कि सोमभद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बिलासपुर में सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सीर जो है ये क्या है, सतलुज की सहायक नदियाँ हैं बिलासपुर में, गंबर और आली। तो दोस्तों आपने काफ़ी कम जो है ये नदियाँ सुनी होगी सहायक नदियाँ, क्योंकि अभी तक इससे जो है क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन जितना ज़्यादा होता जा रहा है ये जो है क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा डीप आपको देखने को मिलेगी, तो ये नदियाँ दोस्तों अक्सर पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं सोलन में जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए गम्बरौला और अली, गम्बरौला और अली जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखिए शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सतलुज की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो गिरी गंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाबर, गिरी गंगा और पाबर जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रावी नदी जो कि चंबा से निकलती है। चंबा में जो है वो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं सियुल, काफ़ी बार पूछी गई दोस्तों एग्ज़ाम में, सियुल नदी, होली, ये जो है वो चंबा में सहायक नदियाँ हैं रावी की। उसके बाद दोस्तों होली चिनाव इसको बोला जाता है, तो सियुल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो हमारे पास नदी है वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है दोस्तों लाहौल स्पीति से निकलती है
और लाहौल स्पीति में जो है वो इसकी चिनाब नदी, सहायक नदियाँ स्पीति, गोंदला, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा और भागा जो है दोस्तों वो मिलकर जो है चिनाब नदी का निर्माण करती है, तो ये चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आपको स्पीति और गोंदला ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट जो हमारे पास नदी है वो है यमुना नदी, जो कि कहाँ बहती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है यमुना नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है पाबर और चूड़दार, पाबर और चूड़दार काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दो नदियाँ, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो किस नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो आपको ये याद रखना है, एक नंबर यहाँ से आपको पक्का करना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।